तो आज थोड़ा सा हम म्यूजिक बनाने वाले हैं एडम T5V स्टूडियो मॉनिटर्स और T10S सबवूफर का इस्तेमाल करते हुए। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं नाम शिवराज, ड्रीम आउट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। रिसेंटली मुझे एडम ने अपने स्पीकर्स जो है एडम T5V और एक सबवूफर जो है एडम T10S भेजा, ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूँ, सुन सकूँ और बता सकूँ कि कैसा एक्चुअली मुझे फील हुआ इनको इस्तेमाल करते हुए। नाउ आई एम सुपर थैंकफुल टू एडम ऑडियो कि उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा कि मैं इन प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकूँ, क्योंकि फ्रेंकली मैं एक बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ एडम की बात जब हम करते हैं। तो अगर मैं इन स्पीकर्स की बात करूँ तो कुछ टाइम हो गया है मैं इनको इस्तेमाल करते हुए। मैं एवरीडे बेसिस पे इनको यूज़ कर रहा हूँ। मैं मिक्सेस के लिए इनको यूज़ करता हूँ, मैं अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता हूँ, मैं मूवीज देखने के लिए इनको यूज़ करता हूँ, मैं गाने सुनने के लिए इनको यूज़ करता हूँ। और फ्रेंकली मैं इनको इसीलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक करेक्ट आइडिया दे सकूँ कि एक्चुअल में ये स्पीकर्स कैसे साउंड करते हैं। नाउ इससे पहले कि हम इन स्पीकर्स के बारे में इन डेप्थ बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा एडम ऑडियो के बारे में। अगर अभी तक आपने एडम ऑडियो के बारे में नहीं सुना तो रीजन इज कि एडम ऑडियो एक प्रीमियम ब्रांड है जब हम ऑडियो प्रो ऑडियो कैटेगरी की बात करते हैं। नाउ एडम ऑडियो हमेशा अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बनाते आ रहे हैं, बहुत सारे लेजेंडरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स इनके हैं और मैं पर्सनली फ़ैन हूँ। इनका एक स्पीकर है जो है A7X, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं कॉलेज के टाइम से इनको सुनते आ रहा हूँ। लेकिन अगर हम एडम T5V जो आप ये पीछे देख रहे हैं इनके बारे में अगर बात करें तो ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जो रिसेंटली एडम ने डिसाइड किया कि हमें एक बजट फ्रेंडली स्पीकर भी बनाना चाहिए, ताकि सबको वो फीचर मिल सके, जो ये प्रीमियम फीचर है, जो ये प्रीमियम साउंड है, ये सबको मिल सके। यही कंप्लीट आइडिया है इस एडम T5V के पीछे कि जो ये प्रीमियम फील है, प्रीमियम ऑडियो का जो फील है, वो आपको एक बजट के अंदर मिल सकता है इस स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए। तो जल्दी से इनके स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं और फिर चलते हैं अपने म्यूजिक बनाने की तरफ। और बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं मैं ये कौन से स्टूडियो पे हूँ, तो मैं शिफ्टिंग के बीच में हूँ। मैं एक नया स्टूडियो शिफ्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये एक टेम्पररी सेटअप है जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें अब सेट कर रखी है। लेकिन मैं एक परमानेंट सेटअप पे जब शिफ्ट हो जाऊँगा तो मैं आपको एक स्टूडियो टूर ज़रूर दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द स्पीकर्स, जो खास बात है एडम स्पीकर्स के बारे में, किसी भी एडम स्पीकर्स की अगर आप बात कर ले, जो खास बात है और जिसके लिए ये जाने जाते हैं, जिसके लिए फेमस है, जिसके लिए ये प्रीमियम है, वो है इनके रिबन ट्विटर्स। नाउ ये जो रिबन ट्विटर्स है, ये आपको हर स्टूडियो मॉनिटर पे नहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खास है। एडम ऑडियो रिबन ट्विटर्स के साथ ही काम करते आ रहे हैं शुरुआत से। वो अपने रिबन ट्विटर्स के साथ, जो भी स्पीकर आप उठा ले, रिबन ट्विटर्स के साथ ही वो काम करते आ रहे हैं। और एवरी ईयर ये अपने ट्विटर्स को इम्प्रूव करते हैं, ये बेटर करते हैं, और फाइनली जाके अभी वो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे उनको लगता है कि ये जो रिबन ट्विटर का टेक्नोलॉजी है, ये प्रोवाइड किया जा सकता है एक बजट फ्रेंडली रेंज में, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई इसको सुन सके, हर कोई उस प्रीमियम ऑडियो का फील ले सके। नाउ अगर आप सोचें कि भाई क्या खास बात है यार, आप इतना कह रहे हो रिबन ट्विटर्स के बारे में, क्या खासियत है इस रिबन ट्विटर्स के बारे में, जो सबसे बड़ी खासियत है इन रिबन ट्विटर्स के बारे में वो ये है कि इनके जो हाइज हैं, यानी कि आप कोई भी गाना सुन रहे हैं तो किसी किसी गाने में आपको वो हाइज़ काफ़ी हार्श लगते हैं, काफ़ी श्रिल लगते हैं। अगर आप हाइज़ अपने चढ़ा देंगे मिक्स में तो आपको काफ़ी ज़्यादा चुभने लगता है, पियर्सी लगने लगता है, तो वो चीज़ आपको महसूस नहीं होती है जब आप एक रिबन ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा मक्खन है बेसिकली, जब हम हाइज़ या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें। आज जिस स्पीकर की हम बात कर रहे हैं, जो स्पीकर्स मेरे पास है, वो है एडम T5V, यानी कि 5 इंच का इनका वूफर है जो एज अ मेन कोन इनको ट्रीट किया गया है। साथ में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिवन टेक्नोलॉजी को इन पे डाला गया है ताकि आप भी उस प्रीमियम फील को एंजॉय कर सके। इन स्पीकर्स का बेस रिफ्लेक्स पोर्ट जो है वो पीछे की तरफ है, और साथ में इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो काफ़ी बड़ी है, यानी कि 45 हर्ट्ज से लेके 25 किलो हर्ट्ज तक
आपको फ्रीक्वेंसी रेंज मिलता है जो काफी सरप्राइजिंग है फॉर अ 5 इंच स्पीकर। इसके अलावा ये काफी ज्यादा लाउड भी हो सकते हैं, 106 dB SPL जो लाउडनेस है वो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप 106 dB SPL में सुने, क्योंकि ये काफी लाउड है। 88-89 dB SPL पे आप सुन सकते हैं, लेकिन 106 dB SPL फॉर अ 5 इंच कोन अगेन is very surprising. Now, ये सारी टेक्निकल बातें हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, इतनी तरीके से आपको नहीं समझ आ रहा है, तो सीधे साधारण शब्द में आप इनको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मीडियम साइज रूम है, या फिर अगर आपके पास एक स्मॉल रूम है, एक आपका बेडरूम स्टूडियो है, या फिर एक होम स्टूडियो है जिसको आपने ट्रीट किया है, कन्वर्ट किया है इनटू अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एक आपका कमरा था एक्स्ट्रा उसको आपने ट्रीट किया, छोटा सा कमरा है या मीडियम सा कमरा है, वहां पे ये जो स्पीकर है ये बेस्ट साउंड करेंगे। नाउ ये तो हो गई सारी इन एडम T5V के बारे में, इन स्पीकर्स, इन मॉनिटर्स के बारे में। अगर आप मेरे म्यूजिक को फॉलो कर रहे हैं रिसेंटली, अगर आप मेरे म्यूजिक को सुन रहे हैं, जिस तरीके के म्यूजिक मैं बना रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आने लगा है ज़्यादा से ज़्यादा बेस और बीट्स पे, मुझे वो किक्स पे मज़े आने लग गए, मुझे वो बेस लाइन पे मज़ा आने लग गए। तो मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे म्यूजिक बना रहा हूँ जो बीट्स एंड बेस हैवी है। यहाँ पे काम आता है आपका एडम T10S सबवूफर। नाउ इस सबवूफर के बारे में क्या बताऊं मैं, ये बीस्ट है, ये मॉन्स्टर है। आप किसी भी नियर फील्ड मॉनिटर के साथ इसको पैच कर सकते हैं अपने बेसिस को एनहांस करने के लिए, अपने बेसिस को और बेटर सुनने के लिए। लेकिन अगर आप इनको पैच करें ये एडम T5V या फिर T7V से, तो ये सरप्राइजिंगली अमेजिंग रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि इनको बनाया गया है इस तरीके से कि ये जब साथ में जुड़ते हैं तो इसका परफॉर्मेंस डबल हो जाता है। और इस सबवूफर की स्पेक्स की अगर हम बात करें, तो 10 इंच का डाउन फायरिंग कोन है इस पे, साथ में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ऑलमोस्ट 28 Hz से लेके 120 Hz तक है। और लाइक द स्पीकर्स अगेन, ये भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है, 104 dB SPL ये आपका सबवूफर प्रोड्यूस कर सकता है लाउडनेस, जो अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आप जाके सुने। डिपेंडिंग ऑन द स्पीकर्स, डिपेंडिंग ऑन द मॉनिटर्स जो आप इस सबवूफर के साथ इस्तेमाल करेंगे, आप जाके इस सबवूफर की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी बदल सकते हैं बहुत आसानी से। इसके पीछे एक स्विच दे रखा है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। साथ में आप जाके इसके फेस को भी फ्लिप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और इसके अलावा आपको एक रिमोट फुट स्विच कंट्रोल भी मिलता है, जिससे आप एक फुट स्विच का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली अपने सबवूफर को बाईपास कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत महसूस हो। ना अगर आप सोचें कि ये जो सबवूफर है ये सिर्फ एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए है, तो ये ऐसा नहीं है। आप शायद एक डीजे हैं, आप एक मिक्सिंग इंजीनियर हैं, या फिर आप एक मूवी एंथुसियास्ट है, आप सिर्फ अपने घर पे एक अच्छा ऑडियो सुनना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं इन स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देख रहा था, तो मैंने इन सबवूफर को भी पैच करा था। और फ्रैंकली मेरी बात अगर आप माने, तो ये आपके पूरे एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है, जो मूवी देखने का जो फील है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो अगेन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर ही होना पड़ेगा इस सबवूफर को लेने के लिए। आप एक होम थिएटर अगर सेट कर रहे हैं, आप मूवीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो भी आप इनको बेशक कंसिडर कर सकते हैं। ना क्योंकि बहुत सारी ऑलरेडी बात हमने कर ली, चलिए जाके थोड़ा सा म्यूज़िक बनाते हैं। म्यूज़िक के लिए मैं सोचा हूँ कि मेरे जो पर्सनल फेवरेट है बेसिकली वो है कि मैं अपने एकूस्टिक गिटार्स इस पर रिकॉर्ड करूँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़े इलेक्ट्रिक गिटार्स रिकॉर्ड करूँ, कोशिश करूँगा चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। साथ में मैं इनसाइड द कंप्यूटर जो प्रोडक्शन पार्ट है उसको भी थोड़ा सा यूज़ करूँगा, ताकि मैं दोनों सुन सकूँ और आपको बता सकूँ कि एक्चुअली मैं इसको इस्तेमाल करते हुए कहाँ तक क्या कर सकता हूँ, ये कहाँ तक मुझे सुनने में हेल्प करता है, कैसे ये स्पीकर्स फील होते हैं। Thank you.
तो ये पूरा म्यूजिक जो है वो मैंने रिकॉर्ड प्रोड्यूस मिक्स और मास्टर कर दिया ये एडम T5V और एडम 10S का इस्तेमाल करते हुए। होपफुली आपको ये म्यूजिक पसंद आया। जो फाइनल कंक्लूजन है, मोटी मोटी बात है, वो ये है कि मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप मिड रेंज की बात करें, जैसे लोग कहते हैं मैजिक लाइज इन द मिड रेंज, अगर हम मिड रेंज की बात करें तो ये एडम T5V जो है ये आपको बहुत खूबसूरत मिड रेंज बना के देता है। क्योंकि हाइज के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हाइज हमें पता है कि वहाँ पर रिबन लगा हुआ है, ऑलरेडी एक अपर हैंड है। लेकिन अगर हम मिड्स की बात करें, बहुत खूबसूरत मिड्स हैं इनके। मेरे ख्याल से जितने भी स्पीकर्स मैंने अभी तक ट्राई किए उनमें से मैं हमेशा इनको चूज़ करूँगा अगर हम सिर्फ मिड रेंज की बात करें। इसके अलावा अगर हम सब ऊपर की बात करें जो है एडम T10S, मुझे जो चीज़ लगी वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो काफ़ी राउंड है और काफ़ी डिफाइंड है। जैसे अगर हम बेस की बात करें तो बेस फैला हुआ नहीं सुनाई देता आपको, बेस काफ़ी राउंडेड और काफ़ी बंधा हुआ, काफ़ी डिफाइंड सुनाई देता है आपको, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड हो सकता है अगर आप एक बेस लवर है, या फिर अगर आप हैवी ट्रैक्स पे काम कर रहे हैं जो बड़ी जगह पे प्ले होने वाले हैं, या फिर आप अपने सिंपली मूवीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उन लोस को सुनाने में। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं रिव्यू कर रहा था एडम T5V स्टूडियो मॉनिटर्स और एडम T10S सब ऊपर। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।